सर वो स्पष्ट दिख नहीं रहा है बोर्ड सर। लाइट थोड़ा ज्यादा पड़ जा रहा है। हाँ, अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। ये तो बिंदु है सर, बिंदु। ठीक है, ये अभी हाथ में पकड़े सर। तो जी, तो इस तरह डॉट करने बच्चों को कहना है, बच्चे करेंगे अपने कॉपी में डॉट पेंसिल से। ठीक है, इस तरह का रचना बनाएंगे, बिंदी की तरह लगेगा वो, बस टच कराना है इसमें, पेंसिल से टच करेंगे और बन जाएगा। साफ पेंसिल होना चाहिए, नोकीला पेंसिल होना चाहिए और अच्छे से चलने वाला होना चाहिए। और व्हाइट पेपर उनके पास है तो बहुत अच्छा बात है, उससे इससे शुरू करना है हमें। जैसे आप लोग बताया कि आप सर बताया कि बिंदु है, तो बिल्कुल ऐसे ऐसी रचना को हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, बिंदु है, जैसे बिंदी होता है उसी तरह दिख रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। बच्चों को समझाने के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, बिंदु बताने के बाद, ऐसा रचना बनवाने के बाद उनको ये बताना है कि ये क्या है, बिंदी, और ऐसा सभी बच्चे कर लेंगे आसानी से। ठीक है, इसका आप नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ये एक डॉट की है, एक बिंदु बनाए, ऐसे बनाए, बस ऐसे टच किए, इसका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे एक बिंदु ऐसे, इस तरह आप ये रख दिए, तो इस तरह आप इसका नाम भी रख सकते हैं, जितने भी बिंदु बनेंगे। तो ये इसलिए मैं बहुत इसका डिटेल में आप लोगों को इसको नहीं बता रहा हूँ, कि ये बच्चे आसानी से बना लेंगे, इसको बताने की आवश्यकता उतना नहीं होता, बस उनको आप करने बोलेंगे तो बच्चे ऐसा कर सकते हैं। अभी जो हम आगे बात करेंगे उसमें विस्तृत हम चर्चा करेंगे दूसरे चीजों पर, क्योंकि बिंदु बनाना बहुत कठिन नहीं है, आप सभी जान रहे हैं कि बच्चे इसको आसानी से बना सकते हैं। तो हम जब आगे बात करेंगे, अभी ज्यामिति फिगर पे, तो इसमें आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बच्चे बना लेंगे ना, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें। जी, तो एक बहुत ही आसानी से बना लेंगे, इसलिए इसमें ज्यादा, देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी चीज को अत्यधिक गतिविधि करके दिखाएंगे तो हो सकता है कि बच्चे उसको समझ ना पाए। ये आसान सा चीज है, इसको बच्चे आसानी से समझ लेते हैं, ऐसे डॉट करके बताना, और ये बताना है बिंदु, क्योंकि जैसे नहीं भी पढ़ाए रहेंगे लेकिन भी बच्चे जानते हैं कि यह क्या है, बिंदी बिंदु है। लकीर कितने भी सभी बच्चे जानते हैं, सभी लाइन कितना भी जानते हैं, लेकिन अभी वो मतलब नहीं जानते हैं कि क्या लाइन है क्या रेखा है। ठीक है, लेकिन को लकीर किसने बोलिएगा तो कोई भी बच्चा ऐसे लाइन खींच ले। ठीक है, तो अब ये जो डॉट है या जो बिंदु बनाया गया है, दो बिंदुओं को अगर आप लोगों को ठीक से नहीं दिख रहा है तो तुरंत मैं एक उपाय करता हूँ, क्या दिखे, एक मिनट का समय दीजिएगा। ये डॉट है, ठीक है, अब बच्चों को डॉट को अगर मिलान, जैसे दो बिंदु, हम दो बिंदु का लेते हैं एग्जाम्पल, दो बिंदुओं को अगर मिलाने को कहा जाए तो क्या मिला लेंगे या नहीं मिलाएंगे, ये बताइए आप। मेरा मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, जैसे देवाशीष सर 2 मिनट आप संभालेंगे क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैं बहुत मार्कर बहुत लेके आ रहा हूँ बस यहाँ पे। मार्कर, और सर आपके फोन का नेटवर्क भी शायद डेटा देख लीजिएगा, दूसरे फोन से अगर मिल जाए तब तक मैं देखता हूँ, क्योंकि नेटवर्क जी जी बैंडविड्थ जी 2 मिनट बहुत। में कर रहा हूँ क्या। जी तो बहुत अच्छे से सर अभी बता रहे हैं कि बच्चों को हमने बिंदु दे दिया, तो ज्योमेट्री की जो पूरी परिकल्पना की शुरुआत होती है, आकृतियों की परिकल्पना की शुरुआत होती है, वो बिंदु से ही होती है। तो जब बच्चा दो रैंडम बिंदुओं को, दो यूं ही कहीं से भी लिए गए बिंदुओं को जोड़ पाता है, तो वह पहला रेखा खंड बनाता है।
तो दो बिंदुओं के बीच में बच्चा जब परिकल्पना करता है कि उनको सीधी रेखा से जब जोड़ दिया गया तो एक रेखा खंड बनता है, और यहीं से किसी भी आकृति, ज्यामिति की जो भी आकृति बनेगी उसकी शुरुआत, उसका उसका जो मूल है वह यही है कि दो बिंदुओं के बीच में रेखाओं को जोड़ा जाए। तो जितने अच्छे से आप इसको ये बच्चों को सिखाते हैं, इसका विभिन्न तरह का अभ्यास बनाइए, आप कई तरह के डॉटेड पॉइंट्स बना सकते हैं, उसमें किसी भी दो बिंदु को चुन दें और बच्चों को बोले बच्चों इसको जोड़ो देखो क्या बना, तो इस तरह से जोड़ते जोड़ते जब बच्चे देखेंगे तो उनको आकृतियां उसमें बनती हुई दिखेंगी। रेखाओं को बनाने के बाद, रेखाखंडों को बनाने के बाद, उसी तरह से आप उसमें और भी आकृतियां जिनका बच्चों को पूर्व ज्ञान है उनको बनाने का भी प्रयास कर सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों को स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा, पहले तो आकृतियों को बनाने का अभ्यास आ जाएगा और स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा कि आखिर आकृतियां ये बन कैसी रही हैं, और उसमें बिंदु का महत्व क्या है, उसमें उनको स्वयं ही कई सारे प्रश्न उठने लगेंगे कि अरे ये इसमें ऐसे इस तरीके से जोड़ते हैं तो त्रिकोण हो जाता है, ऐसे जोड़ते हैं तो चौकोन हो जाता है, तो ये बिंदु ग्रिड आपके बहुत काम आने वाला है जिसके बारे में अभी आलोक सर ने बताया। तो रेखा सबसे आवश्यक विषय है, रेखा के बारे में बच्चा समझेगा तो रेखा और रेखाखंड, तो रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच में जो सीधी रेखा होती है वो रेखाखंड है, और जो उसके अनवरत अनंत तक चली जाती है वो रेखा हो जाती है। तो इतनी समझ जब बच्चे को बनती है तो बच्चा समझने लग जाता है कि भाई जब हम उसी तरह से विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, उनकी भुजाएं बनाते हैं, तो हमें रेखा खंडों की आवश्यकता पड़ती है। रेखा खंडों के साथ उनका मापन भी चला आता है, तो भाई कितने सेंटीमीटर का रेखा खंड है या कितने मिलीमीटर का रेखा खंड है, तो ये मापन की बात भी चली आती है। उसके साथ ही जहां एक से दो रेखाखंड आपस में मिल गए या फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे को काटा, तो वहीं से कोण की परिकल्पना उदय होती है। उस कोण की परिकल्पना को भी हम इस बिंदु ग्रिड के साथ आगे ले चल सकते हैं। तो इस तरह से एकमात्र बिंदु ग्रिड बनाने से आप बच्चों को एकदम शून्य से समझिए उनकी ज्यामिति के बारे में आगे बढ़ा सकते हैं। आदरणीय आलोक सर जुड़ गए हैं। हाँ जी सर। जी सर, मेरी आवाज अब आ रही है सर अच्छे से? बिल्कुल अच्छे से आ रही है, और आप बहुत अच्छे से, बोर्ड भी मतलब थोड़ा सा चमक रहा है अभी। जी थैंक यू सर। क्या हुआ कि आज स्कूल से आने में थोड़ा देर हो गया था, इसलिए मैसेज नहीं कर पाया था। चलिए इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा दिवासी सर की बात मैं अभी सुन रहा था कि जैसे डॉट की बात हम कर रहे थे, डॉट की बात हम जो कह रहे थे, और डॉट को मिलाने की बात मैंने कह के गई थी, तो ये डॉट को मिलाना है, ठीक है, बच्चे को मिलाने कहना है, इन दो डॉट को जो बिंदु आपको दिख रहा है उसको अगर मिलाने को कहा जाए और बच्चे उसको मिला लें तो एक लकीर बनता है, ठीक है, बच्चे इसको लकीर कहते हैं, लकीर लकीर के माध्यम से जिसको हम क्या कहते हैं, दो बिंदुओं को मिला रहे हैं, ठीक है। तो जो रचना बनता है, जैसे दिवासी सर ने आप ही बताया कि इसको हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। इसको कहते हैं रेखाखंड। तो ये जैसे एक रचना आप बनाकर बताएं, और विभिन्न डॉट, जैसे डॉट ग्रिड के बारे में बता रहे थे सर कि ग्रिड बनाए, बहुत सारा क्या किए, डॉट किए, बच्चों को बहुत सारा डॉट करने को कहे हैं, और उन डॉट को क्या कर रहे हैं, मिलाने को कहा गया है। तो हम एक देख रहे हैं कि एक लाइन बन जाता, एक क्या बन जाता है, रेखाखंड बन जाता है, लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि दो बिंदु हैं, अलग अलग बिंदु हैं, और लेकिन हम एक सीधी लकीर से उसको क्या कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं, और मिलान करने के बाद जो रचना बन रही है उसको हम कह रहे हैं रेखाखंड, इसको हम कह रहे हैं रेखाखंड, ठीक है। और जैसे अभी नापने की बात कर रहे थे कि मापन बच्चों को सिखाया गया है, तो यदि इनको नापने को कहा जाए, बच्चे को स्केल से इसको मापने को कहा जाए, तो निश्चित रूप से बच्चे इसको आसानी से क्या करेंगे, नाप लेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर का है। तो उनको जब जब बच्चे विभिन्न डॉट बनाते हैं और उन दो डॉट को मिला मिला कर रेखाखंड का निर्माण करते हैं, तो उनको क्या करना है, उसको नापने को कहना है, और विभिन्न नाप के नाप कर उसको
लिखना है कि कितने सेंटीमीटर का ये रेखाखंड बना, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे का छोटा बन सकता है, किसी बच्चे का बड़ा बन सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग कोई मापन से अंदाज से क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं डॉट को जो बना रहे हैं वो अंदाज से बना रहे हैं, उसको नाप कर नहीं बना रहे हैं। तो इस तरह विभिन्न रचना क्या होगा सामने में आएगा और बच्चे उसको क्या करेंगे, नापेंगे। बस उनको ये बताना है कि जब दो बिंदुओं को मिलाया जा रहा है, दो बिंदु है और दो बिंदु को जब हम मिला रहे हैं, और क्योंकि ये बिंदु बच्चे खुद ही बनाएंगे, और ये बिंदुओं को जब मिलाया जाता है तो जो रचना बनता है उसको हम कहते हैं रेखाखंड। ठीक है, ये था रेखाखंड। तो इस तरह कई रेखाखंड बच्चे बनाएंगे, क्योंकि जब तक बच्चे अच्छे से सीख नहीं जाते हम आगे अपनी बात नहीं करते हैं। तो बच्चे ऐसे रेखाखंड बनाए, अब उसको क्या किए, नापे, पहले तो अंदाज से बनाए, फिर उसको नाप के लिखे कि कितने सेंटीमीटर का है। तो इसके बाद उनको सेंटीमीटर दे दिया गया, जैसे 5 सेंटीमीटर दे दिया गया, 3 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब स्केल की सहायता से ऐसे लकीर खींचने को कहना है और बच्चे उसको खींचेंगे, जैसे 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड का निर्माण बच्चे करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें ये भी देख रहे हैं जो रेखाखंड हम बनाए हैं इसमें 2 बिंदु थे, तो इन बिंदुओं का हम, मैंने शुरू में बताया था कि जैसे इनका नाम ए रख लिए और दूसरे बिंदु का नाम बी रख दिया और दोनों बिंदुओं को क्या किए, मिला दिया। और नाम रखना इसलिए जरूरी होता है ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। हम ये भी देख सकते हैं इसमें कि ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, मतलब एक इसका क्या बोलते हैं एंड पॉइंट हो जाएगा, समाप्त बिंदु कहते हैं उसको, और एक शुरू होने वाला स्टार्ट बिंदु। तो स्टार्ट पॉइंट हो गया और एंड पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, एक जगह शुरू हो रहा है एक जगह खत्म हो रहा है, और इसका निश्चित माप होता है, इसको हम माप के लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम बात करें तो ये रेखाखंड खींचना बच्चा सीख जाए, बच्चों को जब ये बताएं कि ये रेखाखंड है, अब सोचने को कहना है, अब ये इमेजिन करना है, आप लोग भी सोचिए कि ये जैसे रेखाखंड है, ए से शुरू हो रहा है बी पे खत्म हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है और बी पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अगर हम ये सोचें कि ये जो रेखाखंड हम खींचे, यहाँ से शुरू किए हुए हैं, एक ऐसा रेखाखंड खींचे और इस एक पॉइंट से, चाहे इधर से चाहे इधर से, जैसे 2 बिंदु है ना, इसमें 2 बिंदुओं को मिला के बनाए हैं रेखाखंड। अब 2 बिंदुओं में एक बिंदु को हम क्या करें, हटा दें और ये जो पॉइंट है यहाँ से इसको बढ़ाते चलें, ये किसी भी एक पॉइंट से, चाहे इधर से या चाहे इधर से, किसी भी एक पॉइंट को लें, जैसे मान लीजिए ये ए है और ये क्या है, बी है, तो बी साइड से इसको मान लीजिए हम बढ़ाते चलते हैं अनंत तक, मतलब इंफिनिटी कहा जाए तो कभी खत्म ना हो उतना दूरी तक हम इसको बढ़ाते चलें, और हम ये देखेंगे कि एक जगह एक बिंदु से ये शुरू हो रहा है और दूसरे पॉइंट में हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं और खत्म नहीं हो रहा है। इसमें अगर बच्चों को समझ में नहीं आता तो इसके लिए एक गतिविधि है बहुत अच्छा, कि जो धागा होता है, धागा का बंडल होता है, हम एक बच्चे को बोले बंडल आप पकड़ लो और दूसरे एक बच्चे को उस धागे को जो क्या करें, दूसरे बच्चे को बोलें कि ये पकड़ो और सीधे बढ़ते जाओ, और बहुत लंबा अगर ज्यादा मोटा वाला बंडल है तो उससे बहुत आसानी से बच्चे समझते हैं इसको। एक बच्चा पकड़ा है तो जहां से बच्चा पकड़ा है वो क्या हो रहा है, उसका स्टार्ट पॉइंट हो रहा है, वहां से शुरू हो रहा है वो बिंदु, वो जो हम रेखाखंड को हम जहाँ आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उससे एक पहले रेखाखंड बनवा सकते हैं कि थोड़ी दूर पे खड़े कर दिए तो यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है। लेकिन हम बोले कि ये बच्चे को बोले कि तुम आगे बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ, जहां तक भागा जाता है जाते जाओ, और कुछ दूर बच्चा जाएगा तो उनको ये बताया जा सकता है कि हम ऐसे इस लाइन को भी आगे बढ़ाते हैं, और कब तक बढ़ाते हैं, तब तक बढ़ाते हैं कभी खत्म नहीं होगा, आपको चलते जाना है कभी खत्म नहीं होगा, और बढ़ाते जाए तो उससे एक रचना बनता है। जैसे ये तीर हम बना देते हैं, मान लीजिए यहाँ शुरू हुआ है इधर बढ़ते जा रहे हैं, तीर ये बता रहा है कि वो कंटिन्यू इधर चला जा रहा है, तो इससे जो रचना बनता है, अब दोनों में कुछ अंतर आ जाता है क्योंकि ये निश्चित माप का होता है, ए में शुरू हो रहा है बी में खत्म हो रहा है, लेकिन ये मान लीजिए ए में शुरू हो रहा है
और खत्म कहाँ होगा ये हमें नहीं पता। तो ऐसे और एक साइड से बढ़ेगा, चाहे इधर से बढ़ा सकता है चाहे ए साइड से बढ़ा सकते हैं, तो ये कहाँ से शुरू होगा, ए से शुरू होगा लेकिन खत्म कहाँ होगा ये नहीं पता। तो ऐसे रचना को हम किरण कहते हैं, ऐसे रचना को हम किरण कहते हैं। ये तीर ये बताता है कि इस दिशा में रेखाखंड को हम बढ़ा रहे हैं आगे। तो दोनों में ये अंतर समझ में आ रहा है कि रेखाखंड निश्चित माप का हो रहा है कि यहाँ शुरू हो रहा है या खत्म हो रहा है, और उसी रेखाखंड को अगर हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं तो जो रचना बन रही है उसको हम क्या कहते हैं, किरण। अपने दैनिक जीवन में भी इसका बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, जैसे सभी टॉर्च जानते हैं, टॉर्च जलाएंगे आप तो टॉर्च से जो लाइट निकलता है वो एक बिंदु से शुरू हो रहा है लेकिन कहाँ खत्म होगा ये नहीं पता चलता। तो उससे जो रेखाएं निकलता, उससे जो निकलता है प्रकाश, उसको हम क्या कहते हैं, किरण। वो किरण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप सूर्य को भी देखते हैं तो सूर्य से भी देखिएगा, शुरू ये तो पता चल जाएगा कि जो धूप निकल रहा है, जो रोशनी आ रही है वो सूर्य से शुरू हो रही है, लेकिन उसका मतलब शुरुआत पॉइंट हमको पता चल जा रहा है कि स्टार्ट पॉइंट क्या है उसका, और खत्म कहाँ होगा ये नहीं मालूम, कहीं भी उसका प्रकाश जा सकता है। तो हम ये देखते हैं कि उससे भी जो निकल रहा है, रेस्ट निकल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। उससे जो प्रकाश निकल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, किरण। इसी तरह बल्ब भी हमें पता चल रहा है कि बल्ब से बहुत सारे क्या निकल रहे हैं, किरण निकल रहे हैं। आप टॉर्च को दिखा भी सकते हैं तो इससे कई सारे क्या निकलते हैं, किरण निकलते हैं। तो रेखाखंड और किरण दो चीज हम अभी समझे। रेखाखंड में यही देखे कि ये दो बिंदुओं को मिला देते हैं और जो रचना बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। लेकिन किरण किसको कहते हैं कि एक बिंदु होता है उसका, वो शुरू भी हो सकता है और खत्म भी हो सकता है, उसको कह सकते हैं। लेकिन ये शुरू यहाँ से हो रहा है और यहाँ खत्म कहाँ होगा ये हमें नहीं मालूम। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक जगह शुरू हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा नहीं पता, और ये तीर ये बताता है कि एक दिशा में उस दिशा में किसी रेखाखंड को कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं अनंत, जो कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे रचना को हम क्या कह रहे हैं, किरण। तो ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है और बच्चों को आसानी से समझ में भी आ जाता है। और जैसे धागा का बंडल से मैंने बताया कि बंडल पकड़ा के बच्चे को कुछ दूर पर बल देना है और बताना है कि इसी तरह बढ़ाते जाना है, सीधे लाइन पर सीधा बढ़ाते जाना है और जब तक खत्म नहीं होगा बढ़ाते रहो धागा को खोल के। तो इस तरह वो समझ जाएंगे कि एक साइड में किसी रेखाखंड को हम बढ़ा रहे हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं, किरण कह रहे हैं। तो ये दो रचना हम देखे, एक रेखाखंड देखे और एक हम क्या देखे, किरण देखे। अब तीसरे बार सर ने कहा था जो रेखा, अब हम रेखा की बात करते हैं और रेखा कैसे समझा ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी जैसे रेखाखंड हम सीखे, किरण सीखे कि किरण क्या होता है, एक दिशा में बढ़ाते जाते हैं उसको हम कहते हैं किरण। अब बच्चों को ये कहना है, आप भी सोच के देखिए कि एक साइड बढ़ा रहे हैं और वो कभी खत्म नहीं हो रहा है, हो सकता है कि हम दोनों साइड भी बढ़ा सकते हैं इसको, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ाएं। जब इधर कभी खत्म नहीं हो रहा है, एक साइड हम बढ़ा रहे हैं वो कभी खत्म नहीं हो रहा, वो जो नकीर है वो कभी खत्म नहीं हो रहा, तो अगर हम जहां से शुरू किए थे उसको भी इधर अगर बढ़ाएं तो वो भी कभी खत्म ना हो, तो कुछ अलग टाइप का रचना बनता है, कुछ वो अलग जैसा रचना दिखेगा। जैसे ये रेखाखंड, ठीक है, ये ए है और ये बी, दो बिंदुओं को मिला के क्या बना है, रेखाखंड बनाया है, और इसको हम इधर बढ़ाते गए, एक साइड बढ़ाते गए और कभी खत्म नहीं हो रहा, तो उसको हम किरण कह रहे हैं। लेकिन इसको यदि इधर भी बढ़ाया जाए, दोनों साइड बढ़ाया जाए, ए के साइड भी बढ़ाया जाए और बी के साइड भी उसको बढ़ाया जाए और यहाँ तक बढ़ाया जाए, वहां तक बढ़ाया जाए जहां वो कभी खत्म नहीं होता, तो फिर जो रचना बनता है उसको हम कहते हैं रेखा। तो उसके बाद जो रचना बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो तीन चीज है, पहला तो रेखाखंड है, दूसरा क्या है, किरण है, और तीसरा क्या है, रेखा है। तो तीनों में अंतर यही है कि इससे निश्चित माप होता है, रेखाखंड का क्या होता है, निश्चित माप होता है, और ये किरण होता है, किरण क्या होता है,
इसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और दूसरी तरफ वो उसका कोई पॉइंट नहीं होता, वो खत्म नहीं होता, वो कंटिन्यू बढ़ते रहता है। टॉर्च का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, टॉर्च की रोशनी जलाकर आप बच्चों को दिखा सकते हैं। उसी तरह तीसरा चीज होता है क्या, ये दोनों दिशा में हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ये जो तीर है, ये तीर यही बताता है कि उधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं रेखा। तो ये बिंदु से हम शुरू किए, जैसे देवाशीष सर भी अभी आप लोगों को बता रहे थे कि हम बिंदु से शुरू किए, बिंदु से शुरू करने के बाद हम रेखाखंड बनाए, और रेखाखंड के बाद हम आ गए किरण में, किरण कैसे समझाना है बच्चों को, और उसी तरह क्या बताएं रेखा। तो इसके लिए जैसे किरण के लिए धागा के बंडल का एग्जांपल लिए थे और एक साइड बच्चों को बढ़ने बोले थे, उसी तरह रेखा रेखा समझाने के लिए दोनों तरफ बढ़ना है, बंडल खोलते हुए एक साइड बढ़ेगा और एक साइड उधर बढ़ेगा, तो बस कुछ दूरी पर जाने के बाद उनको समझ में आ जाएगा। बच्चों को ये बोला जाए कि अगर तुमको ऐसे चलते रहना है, रुकना नहीं है, कंटिन्यू चलते जाना है, धागा को स्ट्रेट करके कहाँ तक पहुँचना है ये नहीं पता, चलते रहना है, तो उसी तरह का रचना अगर हम कॉपी में बनाए तो इसको, क्योंकि बनाना पॉसिबल नहीं होता है इसलिए इसको हम क्या करते हैं तीर बता देते हैं, तीर बना देते हैं कि ये इधर कंटिन्यू चलता रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा, इसी तरह विपरीत दिशा में भी चलता रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। तो जिसमें एक इसको आप ऐसे भी समझा सकते हैं, जैसे इसमें एक भी तीर नहीं बना हुआ है, मतलब ये क्यों कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है नहीं पता चल रहा, हो सकता है यहाँ शुरू हो के यहाँ खत्म हुआ हो या तो यहाँ शुरू हो के यहाँ खत्म हुआ, तो इसका निश्चित माप है, तो इसको नहीं पता ही, तो इसको हम कहते हैं रेखाखंड। ठीक है, और इसमें भी ये तीर ये बताते हैं, जैसे यहाँ शुरू हो रहा है इधर कंटिन्यू चल रहा है, कहाँ तक जाएगा ये नहीं मालूम, तो इसका एक एंड पॉइंट है या तो एक स्टार्ट पॉइंट है। अब इसमें देखिए रेखा में क्या होता है, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है ये कुछ नहीं पता चल रहा है, ना इसका स्टार्ट पॉइंट पता चल रहा है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, ना इसका एंड पॉइंट पता चल रहा है कि कहाँ खत्म हो रहा है। तो ऐसे चीज को जो दोनों दिशाओं में बढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो ये तीन चीज है जो बच्चों को बताना है समझाना है, और इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन उनको कराना है, जैसे अभी आप लोगों को भी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बस बताइएगा कौन रेखा है, कौन रेखाखंड है और कौन किरण है। तीन चीज जैसे आप लोगों को बताया गया है तो तीनों को आप बताएंगे। जैसे इसमें मैंने नंबर लिख दिया है तो आपसे पूछा जाए कि ये जो सेकेंड नंबर है ये क्या है, तो आप बता पाएंगे सेकेंड नंबर जो है वो क्या है, रेखा है किरण है या रेखाखंड है? रेखा ये सेकेंड नंबर को पूछ रहा हूँ, रेखाखंड है वो। थैंक यू। चैट बॉक्स में जैसे दो तीन आंसर आए सर माइक में बोले तो बिल्कुल सभी का जवाब है रेखाखंड, बिल्कुल ये रेखाखंड है। क्यों रेखाखंड है, क्योंकि ये दो बिंदुओं को मिलाया गया है। ठीक है, उसी तरह अगर पूछा जाए कि पांच नंबर जो है, पांच नंबर ये क्या है, पांचवें नंबर पर जो चित्र बनाया गया है ये क्या है? किरण। थैंक यू, किरण सबसे पहले जवाब आया संभावे किरण, बिल्कुल, क्योंकि एक दिशा में वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। और अगर तीसरे नंबर की बात करें तो वो क्या है, रेखा। रेखा ये क्योंकि रेखा ये क्योंकि दोनों दिशा में ये बढ़ रहा है तो ये क्या है, रेखा। एक चीज आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि मैं कुछ जल्दी अभी इसलिए बताया आप लोगों को क्योंकि हमारा समय कम पड़ जाता और बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बताया। बच्चों को इतना स्पीड बताएंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उनको धीरे से समझाना है। आप जितना आराम से उनको समझा सकते हैं उतना आराम से समझाइए, इतना जल्दी जल्दी अगर बोलेंगे तो शायद बच्चे नहीं समझेंगे। और एक एक चीज का कई एग्जाम्पल लीजिए, मैं जैसे शुरू से बताता आया हूँ
कि एक चीज जो भी कॉन्सेप्ट बच्चों को अगर रेखाखंड सिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक दो बताए और बोले बच्चों को भी हो गया। उनको जितना एग्जाम्पल आप करा सकते हैं रेखाखंड जब तक वो नहीं समझ जाए आप किरण में बताइए, और जब किरण में आ जाते हैं तो आप धीरे से बढ़िए कि एक साइड उसी रेखाखंड को जब समझ गया है, जैसे पूर्व ज्ञान की बात हुई तो किरण समझाने के लिए रेखाखंड का ज्ञान उनको होना चाहिए। जब वो रेखाखंड समझ जाएंगे तो आप किरण में आ सकते हैं, जब किरण समझ गए तो उसको क्या समझाया जा सकता है, रेखा समझाया जा सकता है। तो देखिए ये तीन चीज क्या हो गया, बच्चे आसानी से समझ जाएंगे और ये बहुत कठिन नहीं होता, क्योंकि इसको सिखाना बहुत कठिन नहीं हुआ अभी तक मेरे को स्कूल में, जब भी हम पढ़ाए हैं इस चीज को तो बहुत कठिनाई से बच्चे को नहीं होता सिखाने में, बच्चे आसानी से इसको सीख जाते हैं। क्योंकि हमारा लगता है कि दो मिनट का समय बचा है, इसके बाद मीटिंग क्लोज होगा तो फिर से आप इसी लिंक में जाएंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। इस पर किसी को कुछ कहना हो तो बिल्कुल आप कह भी सकते हैं। और अंतर कहा किया जाए अगर जैसे रेखा और ये क्या है किरण है, रेखा और किरण से अगर अंतर करने को कहें तो बच्चे इसको आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने खुद ही बनाया है इसको, वो खुद जान रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि एक स्टार्ट पॉइंट होता है, इसमें कोई पॉइंट नहीं होता, ये दोनों एक दिशा में बढ़ रही है, चाहे इधर बढ़ेगी चाहे उधर बढ़ेगी किरण, और रेखा क्या है कि दोनों दिशा में बढ़े। और रेखाखंड क्या है, रेखाखंड ये भी कह सकते हैं कि अगर हम देखिए इसको मिटा दें, बीच से काट दें, रेखा को बीच से अगर हम काट दें मिटा दें तो ये बन गया क्या, रेखाखंड। उसका नाम से स्पष्ट है कि रेखा का खंड, मतलब रेखा का क्या है वो टुकड़ा है जिसका माप होता है निश्चित माप का होता है। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप अंतिम में भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा लगभग एक मिनट का समय बचा है मुझे लगता है, उसके बाद मीटिंग क्लोज हो जाएगा, तो आप लोग फिर से इसी लिंक पे जाकर इसको टच करेंगे और जुड़ेंगे। और किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। तो रेखा को बच्चे अच्छे से समझ लेते हैं क्या सर, छोटे बच्चे खास करके? देखिए सर क्या, ठीक बिल्कुल, तो क्योंकि ये तीसरी चौथी से हम लोग शुरू करते हैं, इसलिए मतलब पहली दूसरी तीसरी में ये शुरू नहीं हुआ है, और वहाँ के बच्चों को इनको समझने में थोड़ा कठिनाई हो सकता है, लेकिन समझाने पर क्योंकि ये फिफ्थ में फोर्थ और फिफ्थ में है तो फोर्थ वाले बच्चे और फिफ्थ वाले बच्चे इसको समझ जाते हैं उनके स्टैंडर्ड का। जैसे मैं बता रहा हूँ कि बढ़ा कर उनको बताना है कि इमेजिन कि सोचना गणित का तो सबसे, क्योंकि इसमें बहुत से गणित वाले होंगे तो गणित में जो होते हैं सर वो बस इतना पे ध्यान देते हैं, इतना समझ गए बच्चा कि रेखाखंड है ये समझ गए बच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं समझे, उनको जब स्पष्ट समझाया गया तो वो समझ गया कि इधर एक साइड बढ़ते जाएंगे और कभी खत्म नहीं, क्योंकि ऐसा उनको सोचने पे मजबूर कर देते हैं और बच्चे ऐसा सोचने लगते हैं। किसी एक बच्चे को खड़े करके बोलते हैं कि आपको इस दिशा में चलते जाना है, कुछ दूरी पर उनको चलाते भी ताकि उनको अंदाज हो जाए कि हमें कैसे चलना है, तो एक दिशा में अगर चलते जाए कभी खत्म नहीं हो, चलते जाना है, उसी तरह इसको भी चलाते जाना है, इसको हमको खींचना है, इस रेखाखंड को एक तरफ खींचते जाना है, उसी तरह दोनों साइड से अगर बढ़ाएंगे, दोनों तरफ से खिंचाव शुरू कर देंगे तो वो रेखा बन जाएगा, एक ही तरफ से खींच के बढ़ाएंगे तो उसको किरण कहेंगे और नहीं खींचेंगे, कहीं नहीं खींचेंगे, निश्चित माप करेगा तो उसको रेखाखंड कहेंगे। इतना जब बच्चों को समझाया जाता है तो बच्चे इस चीज को देख के समझ जाते हैं, ये जो तीर का निशान है ये उनको बता देता है कि इसको ये इस साइड बढ़ाना है और इस साइड बढ़ाना है, इसको केवल एक ही साइड बढ़ाना है और इसको किसी दिशा में नहीं बढ़ाना है। तो जब दोनों दिशा में जिसको हम बढ़ा रहे हैं उसको हम रेखा कहते हैं, और एक ही दिशा में किसी को हम बढ़ा रहे हैं तो उसको किरण कहते हैं, और जो जिसमें तीर नहीं है, जो किसी तीर का मतलब ये है, जैसे मैंने बताया कि तीर का मतलब ये है कि वो ये बताता है कि किस दिशा में उस लाइन सेगमेंट को हम बढ़ा रहे हैं, जिसमें कोई भी तीर नहीं है मतलब उसको वो लाइन सेगमेंट की है उसी को बढ़ाने वाला काम किया जाता है, मतलब वो रेखाखंड हो गया, ये किरण हो गया और ये रेखा हो गया,
जब फिर उनको जैसा क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, विभिन्न रेखाखंड किरण और विभिन्न रेखाखंड किरण और रेखा दिया जाता है, तो बच्चे उसको आसानी से पहचान जाते हैं कि कौन किरण है कौन रेखा है। फिर धीरे से उनको नामकरण भी बता दिया जाता है, हालांकि जो शुरू में रहता है तो नाम बता दिया जाता है कि इसका ये रख दिए, सभी रख दिए, इसी तरह सबको समझा दिया जाता है। और जब वो तीर का निशान देखते हैं तो यही उनको पहचानने का एक तरीका होता है, इससे उनको पता चलता है ये दोनों दिशा में बढ़ रहा है, मतलब ये रेखा है, और केवल एक ही दिशा में बढ़ रहा है तो ये किरण है। किरण का एग्जाम्पल जैसे मैंने टॉर्च का दिया था, बल्ब का दिया था, तो किरण वो बहुत आसानी से पहचान जाते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आना चाहिए कि एक शुरू हो रहा है, एक जगह से शुरू हो रहा है और एक तरफ बढ़ रहा है, और कहाँ तक बढ़ेगा ये नहीं मालूम, तो इस रचना को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। उनको अच्छे से पता चल जाता है तो बच्चे फिर इसमें भेद कर पाते हैं कौन रेखाखंड है और कौन किरण है और कौन रेखा है। ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप आगे बढ़े सर। जी, तो इसके बाद हम आते हैं कोण पे कि बच्चों को कोण कैसे सिखाया जाए। तो इसके लिए माचिस की तीली है, माचिस की तीली का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल किरण की तरह दिखता है। जो माचिस की तीलियां होती हैं वो पूरा पूरे किरण की तरह दिखता है। मान लीजिए ये माचिस की तीली है, बच्चों को दिखाना है। माचिस की तीली अगर है तो उसको बच्चों को दीजिए और उनको ऐसा एक बार बताना पड़ता है, जैसे ये एक माचिस की तीली और ये दूसरी माचिस की तीली, दोनों को जोड़कर एक रचना बनाना है, जैसे ऐसे ये माचिस की तीली है मानिए, तो ये देखिए ऐसे रचना बन गया। इससे विभिन्न तरह का रचना बना सकते हैं बच्चे, केवल ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कई तरह के रचना उनको बनाने दीजिए। उनको ये नहीं बताना है कि हम क्या बना रहे हैं, बस उनको एक बार बताइए कि आपको माचिस की तीली जो बारूद वाला साइड होता है उसको ऊपर रखना है, ठीक है, और दोनों जहाँ खत्म हो रहा है उसको यहाँ एक साथ ज्वाइंट करना है और विभिन्न आकृति बनाना है, ऐसे फिर ऐसे भी बना सकते हैं, इसी तरह ऐसे ही बना सकते हैं। उनको ही करवाना है ये गतिविधि, जो है बच्चे स्वयं करेंगे तब उनको ज्यादा स्पष्ट में आएगा। और इसके अलावा जब ये माचिस की तीलियां से जब बच्चे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ऐसा रचना बनाया है माचिस की तीली से, तो अब हम उनको बता सकते हैं कि इसमें क्या बन रहा है, कोना बन रहा है, ठीक है। ऐसा कोना कहाँ कहाँ बनता है, जैसे स्कूल का जो दीवार है, कमरा है, जो कमरा में भी क्या रहता है, कोना रहता है। अगर बच्चों से कोना पूछा जाए, जैसे पहले भी बात हुई थी, अगर उनसे कोना पूछा जाए कि इस रूम में कहाँ कहाँ कोना है, तो कोना को बता देते हैं, दौड़ के जाएंगे, और क्योंकि एक गेम भी होता है जिसमें कोना पे खड़े होना पड़ता है, तो वो कोना पूछा जाए तो वो कोना जानते हैं। तो कोना से लेते हुए अगर टेबल पे पूछा जाए, टेबल में भी पूछा जाए कि इसमें भी कोई ऐसा रचना कोना जैसा है, अगर इसका कोना कहाँ है, तो बच्चे बता देंगे कि इसका कोना कहाँ है। तो जब माचिस की तीली से हम कोन बना रहे हैं, ऐसे कोना की रचना कर रहे हैं, तो बच्चों को यही बताना है कि यहाँ जो, जैसे ये एक किरण है, यहाँ भी एक क्या है, किरण है, क्योंकि उसमें माचिस की तीली एकदम किरण की तरह होता है, और एक ही बिंदु से दो किरण निकल रहे हैं, एक ही बिंदु से दो किरण निकल रहे हैं। जैसे एक किरण यहाँ है, एक किरण ये, लेकिन बिंदु दोनों का क्या है, एक ही है, दोनों ए से निकल रहे हैं, ठीक है। दोनों क्या, कहाँ से निकल रहे हैं, ए से निकल रहे हैं, एक इधर बढ़ रहा है और एक इधर बढ़ रहा है, लेकिन दोनों निकल रहे हैं, तो बीच में एक रचना बना, इसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोण, ठीक है। और जैसे कोना होता है उसी तरह यहाँ एक कोना बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। मतलब दो किरण एक ही बिंदु से निकले, अलग अलग दिशा में जाए, तो उसको क्या बनता है, एक कोण का रचना बनता है, ठीक है। अब ये पूछा जाए
जैसे ये रचना बनने में माचिस की कितनी तीलियां लगेंगी, ऐसा रचना बनने में माचिस की कितनी तीलियां लगेंगी। दो। बिल्कुल, क्योंकि ये बच्चे के पास उपलब्ध है और बच्चा स्वयं इसको बना रहा है, तो बच्चा इसको देख के आसानी से बता देता है कि दो माचिस की तीलियां, ऐसी रचना बनाने में दो माचिस की तीलियां लगेंगी। तो यही तीलियां क्या है, कोण का भुजा है, इसी को क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। और जो जहां से वो निकल रहा है, जिस बिंदु से दोनों निकल रहे हैं, जैसे ये एक माचिस की तीली है तो ये एक भुजा हो गया, ये एक है तो ये एक भुजा हो गया। तो जैसे आप लोगों ने बताया कि दो माचिस की तीलियां लगेंगे, तो दो माचिस की तीलियां वही उसका क्या है, भुजा है। और ये जो है जहां से वो निकल रहे हैं उसको हम उसका क्या कहते हैं, शिष्य कहते हैं। जहां से निकल रहा है उसको उसका शिष्य कहते हैं। और इस रचना को ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ऐसा जो रचना बनता है उसको हम क्या कह रहे हैं, कोण कह रहे हैं। और बच्चों से ये भी पूछा जा सकता है, जैसे ये है माचिस की तीलियां मान लीजिए, तो बच्चों से ये पूछा जाए कि दोनों माचिस की तीलियां, जैसे इसमें दो आप लोगों ने बताया कि दो माचिस की तीलियां लग रही है, क्या दोनों माचिस की तीलियां एक ही जगह मिल रही है या अलग अलग बिंदु पर मिल रही है। दोनों माचिस की तीलियां एक ही बिंदु पर मिल रही है, क्योंकि वो दिख रहा है, बच्चे से जवाब दे देते हैं कि दोनों माचिस की तीलियां एक ही बिंदु पर, ठीक है, बिल्कुल एक बिंदु पर ही ये दोनों माचिस की तीलियां मिल रही हैं। तो यही रचना जो बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो क्या कोण केवल ऐसे ही बना सकते हैं, अगर बच्चों को माचिस की तीलियां दिया जाए बनाने के लिए, तो क्या वो यही रचना बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं, उनसे एक बार बता देंगे तो वो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, तो विभिन्न आकृतियां बनाएंगे। अभी उनको हमको ये नहीं बताना है कि 90 अंश उनको नहीं बता रहे, बस उनको हम कोण बनाना सिखा रहे हैं कि कोण क्या होता है। और ऐसा रचना अगर हम बना दिए, अगर बच्चे ऐसा बना दिए, तो अगर बच्चों को बोला जाए कि यही रचना आप अपने नोट कॉपी में बनाइए, तो निश्चित रूप से बच्चे इसको ऐसे करके खींच के बना देंगे। ये एक किरण है, ये एक किरण है, दोनों एक बिंदु से निकले, ऐसा रचना बन गया। इसी तरह ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये जो रचना बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसके लिए एक और मैं गतिविधि आप लोगों को बताता हूँ, जो आप बच्चों से कराइएगा तो इससे भी ज्यादा आसान बच्चों को लगेगा। इसके लिए करना है, मैदान में बच्चों को ले जाना है, मैदान पे एक कील को गाड़ देना है, मैदान पे कील को गाड़ देना है। अब इसके बाद आपको धागा की आवश्यकता होगी, इसके लिए आप धागा को बराबर लंबाई में काट लेंगे, तोड़ सकते हैं, और इसमें फंसाना है। एक तरफ देखिए ऐसे, ये धागा है, पहले कील को गाड़ दिए, ठीक है, जो नेल है उसको हम क्या किए, गाड़ दिए, और उसमें थ्रेड को, धागा को ऐसे करके फंसा दिए, दोनों साइड बराबर मात्रा में फंसा दिए, दोनों तरफ बराबर करके उसको हम फंसा दिए। बच्चे को बना ऐसे करने को कहें, एक साइड आप करके दिखा रहे हैं और एक साइड बच्चे इसको कर रहे हैं। अब इसको क्या करना है, जो धागा फंसाए हैं उसको खींचना है दोनों साइड, बहुत ज्यादा ताकत लगा खींचेंगे तो हो सकता है टूट जाए, ऐसा खींचना है कि वो स्ट्रेट दम टाइट हो जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से भी क्या बन रहा है, कोण का निर्माण हो रहा है, यहाँ से क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें केवल बच्चे को क्या दिखेगा, यही दिखेगा, ऐसा दिखेगा, धागा ऐसे दिखेगा। अब इससे आप विभिन्न कोण उनसे बनवा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, बच्चे ऐसे भी खींच सकते हैं, किसी को ऐसे भी खींच सकते हैं, किसी को ज्यादा खींच सकते हैं, किसी को कम खींच सकते हैं, तो इस तरह का रचना बच्चे बनाएंगे।
और इससे ऐसा करने के बाद बच्चों को कुछ देर ऑब्जर्व करने जरूर दीजिए, वो बच्चे इसको निश्चित रूप से आकलन करके स्वयं बता देंगे। बस उनसे ये पूछना है कि जैसा आप माचिस की तीली से बना रहे थे, जैसा माचिस की तीली से रचना बन रहा था कोण का, उसी तरह इस धागे से बन रहा है या नहीं, तो बच्चे इसको ऑब्जर्व करेंगे और आसानी से बता देंगे कि ऐसा एंगल इससे बनता है। और उनसे ये भी पूछा जा सकता है क्या इससे छोटा या बड़ा कोण भी बन सकता है जैसे ये बनाया गया है, तो कोई जरूरी है कि इतना ही बन सकता है, ऐसे बन सकता है क्या, ऐसे भी बना सकते हैं क्या। तो निश्चित रूप से बच्चे इसको आकलन करेंगे और बताएंगे कि बिल्कुल यहाँ अगर बांधा गया तो ऐसे भी हम बना सकते हैं, तो विभिन्न कोण से निर्मित हो सकता है, तो बच्चे ऐसे कोण बनाने सीख जाएंगे। देखिए अभी वो नहीं जान रहे कि कितने अंश का कोण बन रहा है, लेकिन वो इतना जान गए हैं कि इसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और माचिस की तीली से ही कोण बनाना सिखाना है उनको, पहले ये नहीं बताना है कि हम कोण बनवा रहे हैं आपसे, उनको बस जोड़कर एक आकृति बनाने को कहना है, जैसे माचिस की तीली है, उनको दो माचिस की तीली की मदद से बस एक आप बता देंगे, चाहे कुछ भी बनाइए, ऐसे बना के दिखा दिए, और बच्चों को बोलना है कि ऐसा आप भी बनाओ। तो कोई बच्चा हो सकता है ऐसे ही बना ले, उनको बता देना है कि इसमें कोई शर्त नहीं है, आप कैसे भी बना सकते हैं, बस इनको जोड़ के बनाना है, इनको जोड़ के बनाना है, कोई ऐसे बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा, कोई ऐसे बना सकता है। तो इस तरह का बहुत सारा रचना क्या हो सकता है, बच्चे बना सकते हैं बस दो माचिस की तीलियां से। तो फिर जब बच्चे इसको बनाने लगे तो बच्चों को यही बताना है कि ऐसा ही रचना जो होता है इसको अगर हम किरण माने, क्योंकि देखिए इससे ये पता चलता है कि एक दिशा में बढ़ रहा है, ये भी एक दिशा में बढ़ रहा है, दोनों एक ही बिंदु पे मिलते हैं आके, तो ऐसा जो भी रचना बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोण बनते हैं, बस बोलते हैं, और इसी को आप कॉपी में भी बना सकते हैं। तो ये बच्चे कोण बनाना भी सीख जाते हैं। अब उसी को आप कॉपी में खूब सारा बनवा सकते हैं। और एक अंतिम पॉइंट पे हम आते हैं कि उनको जैसे कोण के तीन प्रकार होते हैं उसको बच्चे को अगर समझाना है, तो अभी उनको डिग्री से बताने का मतलब नहीं है, उनको आसानी से बता सकते हैं, ये नहीं बोलना है कि 90 अंश, क्योंकि हम अंश नहीं सिखा रहे हैं उनको, बस अभी कोण बनाने सिखाए हैं और तीन कोण के बारे में आपको बताना है कि कौन समकोण है, कौन न्यून कोण होता है और कौन अधिक कोण होता है, इसके बारे में बताना है। तो ये भी बहुत कठिन नहीं होता है बच्चों को समझाना। अब बच्चों को बोलिए कि ऐसा रचना बनाए, ऐसे करके ऐसे रचना उनको बनाने को कहना है। तो ये क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, ठीक है। और इसके जैसे अभी ये मैंने बताया, उसके बाद एक चीज और भी कर सकते हैं कि बच्चों को जैसे माचिस की तीली की मदद से बनाने बोले, कोण बनाने बोले, ये समझा दिए कि कोण है, तो बच्चों से ये पूछना है कि आपके दैनिक जीवन में या तो क्लास में, आपकी कक्षा में ऐसा क्या क्या चीज उपलब्ध है जहाँ ये ऐसा रचना बनता है। अगर आप ब्लैक बोर्ड, बच्चा देख लेगा कि ब्लैक बोर्ड में भी ऐसा है, सबसे पहले तो क्लासरूम में देखता है, फिर ढूंढता है ब्लैक बोर्ड में, ढूंढता है कि ब्लैक बोर्ड में भी ऐसा रचना बन रहा है, टेबल में बन रहा है, बहुत जगह वो बनता है, उसकी कॉपी में बन रहा है, तो इस तरह का कई सारा एग्जाम्पल बच्चा खुद ही दे देगा। तो उनको बताना है कि ये भी क्या है, कोण है, जैसे ये टेबल, ये ब्लैक बोर्ड है, तो इसमें देखिए ऐसा कोना कितना है, 4 है। तो इस तरह वो खूब ढूंढेगा और समझ जाएगा कि कोण क्या होता है। अब हम जैसे बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं, तो उनको इस रचना के बारे में बताना है, बच्चे को ऐसे बनाने बोलना है, इससे बनाना है, तेली से बनाएगा बच्चा ऐसा रचना बनाएगा, और कॉपी में भी बना सकता है ऐसा रचना बनाना है, और ऐसा रचना ढूंढने को भी कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा कहाँ कहाँ मिलता है, ऐसा रचना आपको कहाँ कहाँ दिखता है। जैसे बोर्ड आपके बच्चे के सामने होता है तो बोर्ड को दिखा के पूछ सकते हैं, क्या बोर्ड में भी ऐसा ही दिखता है कोना में जैसे ये है, क्या यहाँ भी इसी तरह की रचना बन रही है, तो बिल्कुल बन रही है। तो इसी रचना को हम कहते हैं समकोण, ऐसे रचना को हम कहते हैं समकोण कहते हैं, जो ऐसे स्ट्रेट होता है। और ऐसा कहाँ कहाँ होता है आप कॉपी में दिखा सकते हैं,
जितना भी आयत है और वर्ग है उसे उसको आप दिखाकर बच्चे को ये कोना दिखा सकते हैं कि उसमें ऐसा ऐसा रचना बन रहा है, इसी को हम कहते हैं समकोण कहते हैं। अब उनको दो कोण और बताना है, जब समकोण आप समझा देंगे ऐसा रचना आप बच्चे को बना के सिखा देंगे कि ऐसा जहाँ भी दिखे चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, तो ऐसा रचना जहाँ भी दिखता है उसी को हम क्या कहते हैं समकोण कहते हैं। अब दो कोण को समझाने के लिए इसी से तुलना करना होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं एक स्क्वायर पेपर को या वर्गाकार पेपर को या कार्डबोर्ड को जो थोड़ा मजबूत होता है उस स्क्वायर के शेप में वर्ग के शेप में उसको काट लिया जाता है, क्योंकि वर्ग का सारा जो कोना होता है वो क्या होता है समकोण होता है, तो इसको वर्ग के शेप का कार्डबोर्ड काट लेते हैं और विभिन्न आकृति देते हैं। विभिन्न आकृति देते हैं ऐसे विभिन्न आकृतियों को देते हैं बना के विभिन्न कोण बना के देते हैं और बोलते हैं इसका जो एंगल है एक साइड का कोण है उससे आपको इसको नापना है मैच करना है कि ऐसा रचना कौन कौन दिख रहा है और इससे कम कौन दिख रहा है। अब देखिए कम और ज्यादा भी समझ में आता है कि जैसे ये है और ये है तो निश्चित रूप से ये क्या दिख रहा है ज्यादा दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है उससे कम दिख रहा है, तो जो उससे कम दिख रहा है जो इस आकृति से नाप के देखेगा बच्चा स्क्वायर बोर्ड से अगर कम है तो उसमें क्या कर देगा गलत का चिन्ह लगा देगा और जो उसी के बराबर लग रहा है उसी के तरह लग रहा है तो उसमें सही का चिन्ह कर देगा, जैसे ये गलत है ये गलत है तो जो सही है उसके तरह उसमें सही लगा देगा और जो गलत है उसमें क्या कर देगा गलत कर देगा। तो जब टिक लगाने के बाद बच्चे को ये समझाया जा सकता है क्योंकि ये एक जैसा आकृति था इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं संपूर्ण कह रहे हैं और जो नहीं है उससे कम है उसको हम कहते हैं न्यून कोण। इसी तरह अधिक कोण को भी समझाया जा सकता है, समकोण बनाइए और उससे ज्यादा वाला कोण बना दीजिए तो इसको नाप के देखेगा जो इसके बराबर है वो क्या है समकोण है, इस तरह है वो समकोण है, जो उससे ज्यादा दिख रहा है वो क्या है अधिक कोण है। तो बच्चे को इस तरह का गतिविधि करा के अभी समकोण अधिक कोण और न्यून कोण तक बस बात रखना है, बाकी बाद में जब वो बच्चा सीख जाएगा ये कोण बनाने अच्छे से तो उसको हम आगे की बात बता सकते हैं और ये सिखा सकते हैं कि कैसे कोण को नापते हैं और प्रोटेक्टर की मदद से बच्चे को कोण नापना भी सिखा सकते हैं। तो उस पर हम आप आगे बात करेंगे कि कैसे बच्चे को कोण नापना सिखाना है। तो हमारा क्लास आज का यहीं तक था, ज्यामिति फिगर में हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले बिंदु के बारे में बात किया गया था जो डॉट बनवा कर बच्चों को डॉट बहुत सारे डॉट करवाना है और बताना है कि ये क्या है बिंदु है जगह पे, और फिर उसके बाद दो डॉट को मिलाकर हम क्या बना रहे थे रेखाखंड बना रहे थे, फिर रेखाखंड को एक साइड बढ़ाते जाना है अनंत तक। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं या टॉर्च को भी ले सकते हैं, टॉर्च दिखा सकते हैं बल्ब दिखा सकते हैं, उनको बताना है कि एक साइड अगर इसको बढ़ाते जाए बढ़ाया जाए तो जो रचना बनता है उसको कहते हैं किरण, और उसी रेखाखंड को अगर दोनों दिशा में हम बढ़ाते हैं तो उसको हम कहते हैं रेखा। तो उसके बाद एंगल आपको माचिस से तीली से एंगल बनाकर दिखाना है और कोण की जो अवधारणा है उसको समझाना है। इसके अलावा आप कोई सा ड्रॉइंग भी जैसे घर बना सकते हैं उस तरह का घर भी बना सकते हैं और बच्चे को फिर कोण ढूंढने को उसमें कह सकते हैं इसमें कहाँ कहाँ कोना दिख रहा है, तो कोना जब बता देगा तो कोना कैसे बन रहा है कि दो माचिस की तीलियों को मिलाकर बनता है या दो चीज दो जो किरण होते हैं जैसे ये यहाँ एक किरण है यहाँ एक किरण है और यहाँ से एक किरण है दोनों एक बिंदु पर मिल रहे हैं तो ये एंगल बन रहा है। तो इसी तरह बच्चे को इसमें से कोण ढूंढने को कहा जा सकता है, इस तरह का आकृति आप बनाकर आप बच्चों को दे सकते हैं। और फिर जो समकोण के लिए बताया गया कि समकोण की आकृति उनको समझाना है कि ये ऐसा कोण ही बनाना है आपको या तो ऐसा कोण ढूंढना है जितना भी आप ढूंढने को कह सकते हैं ढूंढने को कह सकते हैं कि कार्डबोर्ड एक काट के उसको तुलना करने के माध्यम से कि उस कार्डबोर्ड से अगर उस कार्डबोर्ड में जो कोण है उससे अगर छोटा है तो उसको न्यून कोण कहते हैं और उससे अगर बड़ा है तो उसको हम अधिक कोण कहते हैं और उसके बराबर कोई है तो उसको हम समकोण कहते हैं। तो इस तरह तीनों कोण के बारे में बच्चों को बताया जा सकता है। तो लगभग हमारे हमारी सारी बातें हो गई, अगर किन्हीं को कुछ कहना है या विचार रखना है तो बिल्कुल आप
बोल सकते हैं मैं देवाशीष सर के पास चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने धीरे धीरे बिंदु से बढ़ते हुए रेखाखंड, किरण, रेखा, कोण, समकोण, कोणों का माप, इतने इतने बड़े विषय को आपने समझाया और बहुत सुंदर तरीके से समझाया। मैं चाहूँगा कि किन्हीं मित्र के पास अगर कोई सवाल हो तो वो जरूर पूछें, और आपके सवाल से हमें भी लगता है कि हम उपयोगी काम कर रहे हैं। तो थान सिंह जी, कोई सवाल आपका? थान सिंह जी तक आवाज पहुंच रही है? ललिता मैडम, कोई प्रश्न अपना या कोई अनुभव इस पे? हेलो। यस मैडम। हाँ सर, प्रणाम। नमस्कार सर, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा कि मैं फिर से मतलब दूसरी तीसरी कक्षा में बैठ के अच्छे से मतलब गणित पढ़ पा रही हूँ, बहुत ध्यान पूर्वक, इस टाइप का महसूस हुआ सर आज का। बिल्कुल मैडम, मुझे भी वैसे ही लगता है। आलोक सर से पढ़ता हूँ तो मैं चुपचाप अपने बचपन में चला जाता हूँ और सब चीज को रिवाइज करता हूँ और याद करता हूँ कि किस चीज को समझने में कठिनाई हुई थी। तो जी सर, तो इसमें तो अगर आपका भी कोई अनुभव, क्योंकि आप भी पढ़ाती हैं, कोई प्रश्न आपका, कुछ सर को कहना चाहेंगे आप? सर, बच्चे पहाड़ा वगैरह को नहीं जानते हैं, उसके वजह से गणित सबको मतलब बनाने में कठिनाई होता है सर। तो तीसरी चौथी चले गए हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, कोर्स भी बड़ा होते गया है, तो थोड़ा कवर कैसे करते उनको, उस पे थोड़ा प्रकाश डालते तो। बिल्कुल मैडम, आलोक सर से सवाल हम अभी वापस उनको रखेंगे। और ये जो सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं, इसके बाद हम गतिविधियों पे चलेंगे। तो गतिविधियों के क्रम में हम जब चलेंगे मैडम, तो हम इस तरह से चलेंगे कि एक साथ में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सभी क्लास की एक विषय की गतिविधि। जैसे गणित में हमने आकृति को पकड़ा, तो पहली क्लास में जो बच्चे को आकृति बताएंगे तो उसको आकृति में क्या बताना, दूसरी के बच्चे को क्या बताना, उस पे गतिविधियां करते चलेंगे। तो जो पूर्व ज्ञान का प्रश्न आता है, क्योंकि आप ध्यान देंगे कि हमने सभी चीजों में पूर्व ज्ञान पे महत्व दिया, आपका बच्चा पहले से कितना जान रहा है। तो तीसरी चौथी चला गया है, बच्चा नहीं जान रहा है, तो हमें उसके पूर्व ज्ञान में चेक करना है कि उस लाइन लेंथ में ऐसा तो नहीं है कि वो पहाड़ा नहीं जान रहा होगा, ज्यामिति भी नहीं जान रहा होगा, सारे चीजें नहीं जान रहा होगा। अगर मतलब 10 चीजें हैं, 10 टॉपिक हैं, उसमें से 5 को नहीं जान रहा है, तो 5 में हम उनका पूर्व ज्ञान चेक करेंगे और वो जिस स्तर पे है वहां से उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी समझ है, लेकिन आलोक सर से पुनः मैं इसका उत्तर चाहूंगा। आलोक सर, एक उत्तर इसका अगर आप दे तो। जी जी सर, तो बिल्कुल मैडम का कहना ये है कि बहुत से बच्चे गुणा नहीं जानते हैं और गुणा को सीखने में उनको दिक्कत है, और पहाड़ा नहीं जानते हैं इसलिए उनको दिक्कत होती है। जैसा अभी देवाशीष सर इसका जवाब दे रहे थे, बिल्कुल पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान जैसे गुणा आप सिखा रही हैं या तो पहाड़ा आप सिखा रही हैं, उससे पहले अगर जो अवधारणा है, जैसे जोड़ के अवधारणा है, अगर बच्चा जोड़ के अवधारणा को जान रहे हैं तो आप गुणा उसको आसानी से सिखा सकती हैं। और गुणा सिखाने के लिए आपको पहाड़ा का आवश्यकता नहीं है, आप उसको बार बार, आप जैसे 3 को गुणा करना है 4 से, क्योंकि हम शुरू करते हैं गुणा करना सिखाते हैं, चाहे छोटे हम क्या करते हैं, छोटी संख्याओं से शुरू करते हैं। अब 3 का गुणा करना है 4 से, अगर वो जोड़ने जानता है तब की बात है, अगर वो जोड़ने जानना है तभी हम उसको गुणा सिखाएंगे। अगर वो जोड़ घटाव नहीं सीख पाया है तो गुणा में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि वो जोड़ पाता है या नहीं जोड़ पाता है। अब जोड़ने अगर बच्चा जानता है और 3 को गुणा करना है 4 से, तो जैसा मैंने आप लोगों को जब गुणा के बारे में बता रहे थे, तो गुणा में यही आप लोगों को बताया गया था कि एक ही संख्या को, कई गतिविधि भी करके दिखाई गई थी उसमें, कि एक ही संख्या को अगर हम 4 जैसे बार बार जोड़ रहे हैं, एक ही संख्या को हम क्या कहते हैं, बार बार जोड़ते हैं जितनी बार भी, उसी को क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। मान लीजिए 3 गुणा 4 है, ठीक
ठीक है, तो तीन गुणा चार है मतलब कोई भी चीज तीन है, मान लीजिए तीन कंचा है या तीन चॉकलेट है, तो तीन कंचा हम पहले लिए, फिर इसका मतलब ये होता है कि तीन कंचा को हमें चार बार लेना है, तीन तीन कंचा कितने बार लेना है, चार बार लेना है। तो तीन कंचा पहले लिए, फिर तीन कंचा उसमें लिए, फिर तीन कंचा लिए, फिर तीन कंचा लिए, तो इस तरह हम चार बार तीन तीन कंचा को इकट्ठा किए। अब चार बार हम तीन कंचा को इकट्ठा कर लिए, अब उसको बच्चे को काउंट करने को कहेंगे, तो बच्चा उसको गिनेगा और देखेगा क्या हो रहा है, ये बारह आ रहा है, तो मतलब वो जोड़ कर भी उससे सवाल को क्या कर लेता है, हल कर लेता है। अब जैसे पहाड़ा की बात है, तो पहाड़ा अगर उसको आप धीरे धीरे सिखा रहे हैं, कई पहले तो कई ऐसे एग्जाम्पल दीजिए, जैसे तीन का चार, तीन गुना पांच, इस तरह कई लीजिए और कई सब में ये करके दिखाइए कि जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो गतिविधि की है, गतिविधि से सारे सवाल को नहीं बनाया जा सकता, कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होता है और कंपेयर करने के लिए होता है। अब हम तीन का पहाड़ा चार बार पढ़ते हैं तब भी बारह आता है, हम हमेशा वही तकनीक अपनाते हैं जो हमें आसान पड़े और जो जल्दी हो जाए। तो जब बच्चे समझ जाता है कि हम ऐसे बार बार मिला रहे हैं उसी चीज को, तो अगर वो पहाड़ा जब तक नहीं सीखा तो जोड़ के या उंगली में काउंट करके वो आसानी से उस पहाड़े को बना लेता है, और मतलब उस गुणा को बना लेता है। और जब पहाड़ा का समझ हो जाता है उसको कि पहाड़ा कितना आसानी से बनाया जाता है, तो पहाड़ा बनाकर भी बच्चा उसको आसानी से बना लेता है। तो यही सबसे पहले आप ये सिखाइए कि उसी संख्या को हम बार बार मिला रहे हैं, और कंचा का एग्जांपल लेके दिखाइए, देखिए तो कोई भी अगर ऐसा सवाल होगा तो बच्चा उसको क्या होगा, बना लेगा। बिल्कुल तो सर, आपने बहुत अच्छे से, मैडम विशेष बात यही है कि बच्चे का पूर्व ज्ञान हमें चेक करना है कि हमारा बच्चा आखिर जान कितना रहा है। उसके लिए आप असर टूल याद कीजिए जो हमने पहले दिया था, उसका उपयोग भी कर सकते हैं कि उसको जोड़ आता है कि घटाव आता है कि गुणा आता है, तो उससे पता चल जाएगा आखिर बच्चे को आता कितना है। क्योंकि जब तक हम उसके जड़ पे काम नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ना बेमानी होगा, फिर वो बच्चा धीरे धीरे इतना बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा कि फिर पूरे जीवन उसको कोई सुधार नहीं पाएगा। तो जी सर, रोना आता है सर। बिल्कुल मैडम, मतलब हमें दुख लगता है कि पांचवी छठी में जो बच्चे चले जाते हैं कई सारे गांव में सरकारी विद्यालय में, वो इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं कि उनको कोई नहीं सुधार सकता है। तो जी सर, सुधारने वाला का भी दिमाग खराब हो जाता है सर, सही तो, नहीं थोड़ा समय, क्योंकि क्योंकि सरकार अब जो नियम है उसमें फेल होना नहीं है, रुकना है नहीं, है ना, तो बच्चे को रोक नहीं सकते, तो अब उसमें चलते चलते में उसको ठीक करना है आपको, तो उतना ध्यान जब आप देंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन ध्यान दे कौन, माता पिता उतने पढ़े लिखे है नहीं, तो सारे परिस्थितियां उस बच्चे के विपरीत चली जाती हैं। तो यहीं पे आपके जैसे संवेदनशील लोग का रोल है, जो बड़ा काम आप कर सकते हैं और आप बच्चों को वापस पटरी पर ला सकते हैं, उनके पूर्व ज्ञान छोटी चीजों से फिर से चालू करना पड़ेगा सर हमको। जी मैडम, जी 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 बिल्कुल। अभी आपको इसमें ज्ञानशाला में आपको यही काम करना है कि बच्चा का जो स्तर है, क्योंकि आप लोगों को शुरू से हर चीज बताया गया, तो बच्चे का पहले तो स्तर की जाँच कीजिए कि बच्चा किस लेवल का है। अगर बच्चा गिनती नहीं पहचान, अंक नहीं जानता, संख्या नहीं पहचान पा रहा है, और उसको आप गुणा और ज्यामिति जैसा आज जो बात हुआ ये सब बताएंगे, तो उसको कभी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप बच्चे का ये देखिए कि उसका स्तर क्या है, वो कहाँ तक जान रहा है, तो इसका एक आकलन आप अपने से भी तैयार कर सकते हैं, आकलन कर लीजिए। सर बच्चा में भी, बच्चा में भी कोई कमी नहीं है सर, लेकिन मेन चीज मतलब बच्चे की कमी नहीं निकालने का जी। देखिए मैं जो कह रहा हूँ, बच्चे की कमी, एक मिनट मैं बोलूँ बच्चों का जो घर का वातावरण है सर वो अच्छा नहीं है, उसकी वजह से क्या है मतलब बच्चा मतलब भटक जाता है सर, ऐसा भी होता है, तो उसको भी कैसे ठीक करें सर, समाज में इस टाइप का बहुत। जी जी जी, सबका एक ही इलाज है मैडम, एजुकेशन, शिक्षा ही समाज का अच्छा, अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है शिक्षा से ही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे का स्तर का जांच करने का मतलब बच्चे की कमी नहीं निकालना, हमें ये जानना है कि बच्चा कहाँ तक जानता है, क्योंकि हमें बच्चे को क्या करना है, सिखाना है। हम बच्चे को सिखाने के लिए ही ज्ञानशाला चला रहे हैं, और बच्चे को जितना अच्छा सिखा पाए वही हमारी क्या होगी, कामयाबी होगी कि हम बच्चों के लिए अच्छा कर पाए। और इसमें इसीलिए उन बच्चों का भी सिलेक्शन किया गया है जो पांचवी, जैसा बच्चा बोल रही है कि पांचवी में पढ़ रहा है या और पहली और दूसरी का नहीं जान रहा है, तो उनको ही हमें क्या करना है, लाइनअप करना है कि कम से कम अगर वो पांचवी में है तो अभी दूसरी का नहीं जान रहा है, तो उसको क्या करना है, धीरे धीरे हमें सिखाते जाना है। और किसी तरह मान लीजिए पांचवी में है और पांचवी का स्तर नहीं पहुंचा पाए, लेकिन अगर हम शुरुआत कर देंगे, वो पांचवी में है, पहली का जान रहा है अभी, तो
हम उसको कोशिश ये करेंगे पांचवी में ही उसको दूसरी और तीसरी तक स्तर तक हम पहुंचा दें। तो धीरे धीरे क्या होगा कि छठवीं जब जाएगा तो बच्चा तीसरी चौथी और पांचवी का सीख जाएगा, इसी तरह जब सातवीं जाएगा तो पांचवीं छठवीं और सातवीं, और धीरे धीरे वो अपने स्तर का हो जाएगा, आठवीं पहुंचेगा तो वो क्या करेगा आठवीं के स्तर का जान जाएगा, हो सकता है कि आगे का भी जान जाए। तो हमें यही कोशिश करना है। तो जैसे बच्चे के स्तर जान लेंगे कि वो मान लीजिए पांचवीं पढ़ता है और पहली के स्तर का, तो बिल्कुल आप उसको थोड़ा जल्दी सिखाने की कोशिश कीजिए, वहीं से शुरू कीजिए। अगर पहली का नहीं जानना है तो कोशिश यही कीजिए कि पहली से ही शुरू कीजिए और उसको आगे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। तो अगर आप अभी पांचवीं की बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है, आईक्यू लेवल भी बढ़ जाता है, अगर पांचवीं का बच्चा को पहली का बताएंगे तो सीखने भी जल्दी लगता है, तो आपको बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा। और धीरे धीरे बच्चा जो एकदम कमजोर था, जो एक से दस तक गिनती वो सौ गिनती जान जाएगा, धीरे धीरे पहाड़ा सीख जाएगा, हर चीज सीख जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और दो साल तक आप कंप्लीट लगभग बच्चे को उस स्तर तक पहुंचा सकते हैं। तो कोशिश यही करेंगे, और बच्चा अगर जानने लग गया तो निश्चित उसका मन भी लगने लग जाएगा पढ़ाई में, और बच्चा नहीं जानेगा तो वो पढ़ाई से भागेगा। तो ज्ञानशाला का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छे से जो मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ उपयोगिता हो जाए, कुछ अच्छा रिजल्ट आए, तो इसलिए हम लोग कोशिश यही करते हैं कि बच्चे को उस स्तर की जांच करके वहां से शुरू करें। और वहां से ये नहीं, और दोषारोपण करने से कोई लाभ नहीं होता कभी, क्योंकि कि हम किसी को अगर समाज को दोष देते रहे, स्कूल को दोष देते रहे कि बच्चा इस कारण नहीं सीख पाएगा, तो उससे बच्चे का ही नुकसान है, किसी का नुकसान नहीं। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप बच्चे को स्तर, बच्चे के स्तर जो है उसको ठीक करने की कोशिश करें। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से आपने स्पष्ट किया। मैं आज हमारी संख्या उपस्थिति बहुत कम रही, असंतोषजनक है, लेकिन हम लंबे मार्ग पर चले हैं तो उसमें संतोष असंतोष के क्षण आते जाते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। बिहारी पटेल सर का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थान सिंह जी का धन्यवाद, विनोद सिंह सर भी जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अंकिता मैडम का धन्यवाद, और अंततः आलोक सर का धन्यवाद तो मैं दे नहीं सकता, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। आलोक सर हमारे मार्गदर्शक हैं, साथी हैं, सब कुछ है, और सभी आप सभी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। और कल हम फिर मिलेंगे, सुनील मिश्रा सर बच्चों को कैसे जल्दी पढ़ना सिखाएं, जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाइयां होती हैं उनके बारे में बताएंगे कि कैसे उनको जल्दी पढ़ना सिखाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, क क कर का इत्यादि में अटके रह जाते हैं, तो कल हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। और जुड़े रहिए, लोगों को जोड़िए, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी, अच्छा संतोष जी साथ में जुड़े हुए हैं बिहारी जी के साथ में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष सर आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी आगे बढ़ें, और कल मिलते हैं, धन्यवाद।